Good morning, students. Welcome back to our English class, and we are doing phonic blends. In our previous class, we had learned L blends. L blends of CL and SL. We have learned that CL and SL both are consonants. Why? Because C comes in consonant, L comes in consonant, and S also comes in consonants. Okay. Now, I hope you all know what are vowels. A, E, I, O, U are called vowels. Today we will be learning L blends of FL and BL. What is FL and BL? FL means flaw. FL means flaw. F means for, L means ill. तो दोनों मिलाकर क्या होता है? Flaw. क्या होता है? Flaw. Now we will take an example. Float. Float. इसमें क्या है? FL है, वो है हमारा blend word. T है, यहां पर T है, तो वो क्या हो जाएगा? T. क्या हो जाएगा? T. ठीक है? और अब O और A दोनों vowels हैं. क्या है? Vowels हैं. दोनों vowels हैं. ठीक है बच्चों? तो FL का flaw, T का T और O A, इन सब को मिलाकर क्या बनता है? Float. क्या बनता है? Float. I repeat, float. Float का मतलब क्या होता है? तैरना. ठीक है? तो FL flaw, T means T, and O A, when we mix together, we bring them, we blend them together, तो वो क्या बन जाएगा? Float. क्या बन जाएगा? Float. अब हम देखते हैं BL. BL. B means B, L means L, L means L, तो वो क्या बन जाएगा? Bl. क्या बनेगा? Bl. ठीक है? तो इसका हम एग्जांपल क्या लेंगे? BL ANK blank. क्या है? Blank. इसमें BL है, वो हमारा blend word है, और N और K है, वो है consonants. क्या है? Consonants. ओके? और बीच में एक वॉवल है A. ठीक है? तो ब्ल और N K का हो जाएगा अंक. ठीक है? तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? Blank. क्या बनेगा? Blank. I repeat, क्या बनेगा? Blank. Blank यानी के खाली. जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें. ठीक है? फिर आपको होमवर्क में भी ब्लैंक्स आती है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो उसमें ब्लैंक्स का मतलब होता है जहां पर स्पेस दी गई है, जहां पर जगह खाली है, वो आपको भरनी है. तो आपको समझ में आ गया ब्लैंक और फ्लोट. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर textbooks. Now students, open your textbook comprehensive language learning series. In that, open page number 3. Which page number 3? We are doing phonic blends, and that we are doing L blends. In our previous class we had done L blends of CL and SL, and today we are doing L blends of FL and BL. Okay, now let's start with FL blend words. Okay, first one, FLAG flag. How will you pronounce that? Flag. Why? FL is a blend word, G is consonant, and we are adding a vowel A in between two consonant letters. Okay, so what will it be? FL means flag. G means girl. G means girl. And we are adding a vowel A. That will become flag. Flaw. A.
G, flag. What will it become? Flag. What will it become? Flag. Okay. Flag means what? Flag means students. जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग है ना ऑफ थ्री कलर्स. हाउ मेनी? थ्री. ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन. तो उसे हम फ्लैग बोलते हैं. फ्लैग मतलब झंडा. ठीक है. अब नेक्स्ट वन, एफ एल ए टी, फ्लैट. क्या हो जाएगा वो? फ्लैट. इसमें भी वही है, एफ एल ब्लैंड वर्ड है, टी का हो जाएगा ट और अ वॉवल ए इज एडेड टू इट. सो व्हाट विल इट बिकम? फ्लैट. क्या हो जाएगा वो? फ्लैट. फ्लैट मतलब स्ट्रेट. फ्लैट मतलब स्ट्रेट, जो सीधा प्लेटफॉर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लैट. क्या होगा वो? फ्लैट. ठीक है. फिर आएगा F L O W E R. क्या होगा वो? फ्लावर. क्या होगा वो? फ्लावर. इसमें क्या है? F L है वो ब्लैंड वर्ड है, W है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, R है वो र है. अब F L और W के बीच में वोवल O आएगा और W और R के बीच में वोवल E आएगा. क्या आएगा? E. क्या आएगा? E. तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लावर. क्या हो जाएगा? फ्लावर. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट, एफ एल यू टी ई, फ्लूट. क्या होगा वो? एफ एल यू टी ई, फ्लूट. ठीक है. एफ एल है वो ब्लैंड वर्ड है, टी है वो ट है और ई और यू वॉवल है. क्या है? वॉवल है. ठीक है. तो एफ एल यानी के फ्ल, उसके साथ यू मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लू. और फिर टी ई ट. क्या होगा? ट. फ्लूट. फ्लूट. ओके. एफ एल ए एम ई, फ्लेम. क्या है ये? फ्लेम. क्या है? फ्लेम. एफ एल है वो ब्लैंड वर्ड है, M है वो म आ जाएगा और A और E है जो वॉवल है. क्या है? वॉवल है. तो फ्ल के साथ A मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लेम. क्या हो जाएगा? फ्लेम. क्या होगा? फ्लेम. ओके. फिर फ्लेम यानी के ये देखो, हम जब दिया जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो धुआं निकलता, जो आग निकलती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम. और फ्लूट क्या होता है? बांसुरी होता है. क्या होता है? बांसुरी. ओके. अब ये क्या है? एफ एल वाई, फ्लाई. अब बच्चों इसमें तो कोई वॉवल है नहीं, लेकिन जब आप वाई बोलते हो ना, वाई, तो उसका एंडिंग साउंड क्या आता है? ई. Y, 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 ठीक है. तो वो जब एफ एल ब्लैंड यानी कि फ्लो से मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लाई. क्या हो जाएगा? फ्लाई. ओके. अब हम बी एल ब्लैंड वर्ड्स पर आएंगे. कहाँ आएंगे? बी एल ब्लैंड वर्ड्स पर. अब उसका देखते हैं. फर्स्ट वन है बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो. क्या हो जाएगा वो? ब्लो. क्या होगा? ब्लो. जैसे हमने एस एल वाले में स्लो किया था, स्लो यानी के धीमा, ठीक है. तो यहाँ पर बी एल का क्या आएगा? ब्लो. क्या आएगा? ब्लो. ब्लो यानी के जो हम बलून को फूंक मारकर जब बड़ा बनाते हैं तो उसको ब्लो बोलते हैं, ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट वाला बी एल यू ई, ब्लू. बी एल यू ई, ब्लू. अब इसमें क्या है? इसमें देखो बी एल है, बी एल है व
वो ब्लैंड वर्ड्स हैं, ठीक है। और यू और ई दोनों ही वॉवल हैं, क्या है, दोनों ही वॉवल हैं, ठीक है बच्चों। तो जब बी एल यानी कि ब्ल यू ई यानी कि वॉवल से मिलेगा तो क्या साउंड हो जाएगा, वो ब्लू, क्या हो जाएगा, ब्लू। और ब्लू क्या होता है, हम सबको पता है कि ब्लू एक कलर है, क्या है, कलर है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बी एल बी एल ओ ओ एम ब्लूम, क्या हो जाएगा ये, ब्लूम, ठीक है, ब्लूम। बी एल है वो ब्लैंड वर्ड है, एम है जो वो कॉन्सोनेंट है तो उसका साउंड आ जाएगा म, और अब बीच में दो वॉवल्स ओ ओ हैं, ओ ओ है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लूम, क्या हो जाएगा, ब्लूम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बी एल ओ सी के ब्लॉक, क्या हो जाएगा वो, ब्लॉक। इसमें क्या है, बी एल है वो ब्लैंड वर्ड है, सी और के है जो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इन दो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के बीच में क्या है, ओ है, क्या है, ओ वॉवल है, क्या है वो, वॉवल, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक, क्या हो जाएगा, ब्लॉक, ब्लॉक। अब दूसरा वाला बी एल ओ यू एस ई ब्लाउज, क्या हो जाएगा वो, ब्लाउज। बी एल है वो ब्लैंड वर्ड है, एस है वो कॉन्सोनेंट है, अब एस के आगे ओ और यू है तो वो औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ, ठीक है। और ई है वो वॉवल है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लाउज, क्या हो जाएगा, ब्लाउज, ओके। अब लास्ट वाला बी एल ई एन डी ब्लैंड, बी एल ई एन डी ब्लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी एल है वो, बी एल है वो क्या है, ब्लैंड वर्ड्स हैं, क्या है, ब्लैंड वर्ड्स हैं, और एन और डी है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और ई वॉवल है, लेकिन हमें पता है कि ई एन डी एंड यानी के एंड होता है जो खत्म होता है, तो ब्लैंड वर्ड्स दोनों मिलकर क्या होते हैं, ब्लैंड, क्या बनता है, ब्लैंड, ओके। हम रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, एफ एल ब्लैंड वर्ड्स में हमने पढ़ा एफ एल ए जी फ्लैग, एफ एल ए टी फ्लैट, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, एफ एल यू टी ई फ्लूट, एफ एल ए एम ई फ्लेम, और एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। कम टू द नेक्स्ट पेज, बी एल ब्लैंड वर्ड्स, उसमें हमने क्या पढ़ा, पहला वाला है बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, ब्लो, ब्लो। दूसरा है बी एल यू ई ब्लू, बी एल यू ई ब्लू। नेक्स्ट वन बी एल ओ ओ एम ब्लूम, बी एल ओ ओ एम ब्लूम, ठीक है। अब बी एल ओ सी के ब्लॉक, बी एल ओ सी के ब्लॉक, ये बी एल ओ यू एस ई ब्लाउज, बी एल ओ यू एस ई ब्लाउज, ये वाला बी एल ई एन डी ब्लैंड, बी एल ई एन डी ब्लैंड, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा आज का जो ब्लैंड का टॉपिक था एफ एल और बी एल, वो आपको सही से समझ में आ गया है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम ओरल्स, यू डोंट हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू स्पीक द ब्लैंड वर्ड्स, ओके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।